यार सेट यार। अरे यार क्या आदमी है वो, कितनी देर लगाएगा वो। रुक मैं कॉल करता हूँ। कॉल करो उसको। कब से यहाँ पे खड़े हैं आप? सिर्फ व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं यार। बिजी बिजी, जब देखो तब इसका फोन खाली बिजी ही आता है यार। आप सिर्फ व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। We'll be right back.
जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं। ये दोस्तों के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है ना? सही में यार, ये दुनिया भले उल्टी हो जाए लेकिन अपनी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। हाँ। तो क्या सोच रहे हो, करे प्रॉमिस? दोस्तों आप मानो या ना मानो, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, ये हम सब से छुपा भी रहा। सही बात है यार, मैं भी इसको काफी दिनों से उदास देख रहा हूँ, ये अपने प्रॉब्लम हमसे शेयर भी नहीं करता है। यही तो, आज तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होके ही रहेगा। हाँ। कितने दिनों से देख रहा हूँ यार, ये हम लोगों से दूर ही भाग रहा है। ए, इधर आ। क्या यार, लो आ गए जनाब। चलो आई एम रेडी, कहाँ जाने का प्लान बनाया आप लोगों ने? प्लान की तो बात ही मत कर, कितने दिनों से देख रहा हूँ तू हम लोगों से दूर ही भाग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो तू हम लोगों से छुपा रहा है। क्या प्रॉब्लम है यार वो तो बता, हम लोग तेरे दोस्त हैं। तुझे अपने दोस्ती की कसम, प्लीज प्रॉब्लम बता, उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। अरे कल सब हम घूमने जा रहे ना, वहीं पे जाके आपको बताऊंगा। चलो अच्छा मैं निकलता हूँ। यार मैंने आज तक उसको इतना सैड कभी नहीं देखा, मुझे तो अब तो डर सा लगने लगा। सही में यार, टेंशन में तो मुझे भी लग रहा है, पहले कल उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉरी दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं अपना प्रॉब्लम आप लोगों से छुपाता रहा, क्या करूँ, ना घर वालों से कह सकता था ना आप लोगों से। थोड़े दिन पहले फेसबुक पे चैट करते करते मुझे एक लड़की से प्यार हो गया,
और वो भी मुझे प्यार करने लगी। हम दोनों हर रोज बात करते थे, चैटिंग, वीडियो कॉल्स, फोन्स, बहुत सारी बात करने लगे और हमने तो साथ में रहने का वादा भी किया। फिर अचानक क्या हुआ, उसने बात करनी बंद कर दी। मैं मनाता रहा लेकिन वो मना करती रही। आखिर में काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि उसके बिना जी के क्या करूँगा, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मिस यू यारो। देख दोस्त, सुसाइड करना गलत बात है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता। आज के जनरेशन में ऐसी छोटी छोटी बात पर सुसाइड कर लेते हैं। एग्जाम में फेल हुआ तो सुसाइड, माँ बाप से झगड़ा हुआ तो सुसाइड, नौकरी ना मिली तो सुसाइड, लड़की ना मिली तो भी सुसाइड। हर प्रॉब्लम्स को दोस्त और माँ बाप से शेयर करना सीखो। अरे मेरे यार, इतनी अच्छी जिंदगी मिली है तो क्यों ना हम इसे खुल के जिए। सॉरी दोस्तों, आज मुझे समझ में आया कि मैंने जो सुसाइड करने की कोशिश की थी वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपना प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। जो शायद मैं अपना प्रॉब्लम शेयर करता तो मुझे सुसाइड करने की जरूरत ही ना होती। और आज आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद लाइफ में मैं भी सुसाइड करने की मैं सोचूंगा भी नहीं और ना किसी को सोचने दूंगा। और साले, आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी जो सुनकर मुझे दिल भरा है। मेरा क्या, सबका दिल भराया होगा। जो मेरी तरह सुसाइड करने की कोशिश करते होंगे वो भी आज सोचेंगे यार सुसाइड क्या करना है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुल के जीना सीखो। क्यों, सही कहा ना दोस्तों, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं डॉक्टर भाविन चौधरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुसाइड करना बुरी बात है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। छोटी छोटी बातों में हम सुसाइड के बारे में सोचे वो अच्छी बात नहीं है। अगर हम आसपास के लोगों को देखें तो हमारे से भी बड़े प्रॉब्लम उनके जीवन में होते हैं, लेकिन सब लोग डटकर सामना करते हैं। सुसाइड करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम अगर अपना जीवन अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो सुसाइड का ख्याल अपने दिल से निकाल दें और हर एक मुसीबत का डटकर सामना करें कि जिससे हम आगे ही आगे बढ़ते रहें। आओ दोस्तों, अब हम मिलकर प्रण लेते हैं कि हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे।